प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रसायन विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक सूत्र। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रासायनिक सूत्र होता क्या है। कि किसी भी पदार्थ के अणु को हम प्रतीकों की मदद से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इस तरह से किसी भी पदार्थ के अणु का जो प्रतीक हम यूज करते हैं, वही प्रतीक क्या है उस पदार्थ का जो है रासायनिक सूत्र कहलाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कि जैसे मान लेते हैं कि हम एक पदार्थ ले लेते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक अणु है, उसको हम CO2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र कहलाता है। और रासायनिक सूत्र को हम क्या कहते हैं, अणु सूत्र भी कह देते हैं कई बार। ठीक, इसी तरह से अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन सल्फाइड की, हाइड्रोजन सल्फाइड को जो हम H2S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो एक अणु है, उसको सिंबल के रूप में, प्रतीकों के रूप में H2S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये H2S क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र हो गया। तो अब आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड में मैंने H2 क्यों नहीं लिखा, H2S ही क्यों लिखा। ठीक, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने C2O क्यों नहीं लिखा, CO2 ही क्यों लिखा। तो इस टाइप से जो है, मैं आपको कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही आसान तरीके से आपको इन सभी रासायनिक यौगिक जो है हमारे पास, उनके सूत्र लिखने सिखाऊंगा। अब देखिए, किसी भी पदार्थ का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें मुख्य रूप से दो बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो हमें पदार्थ, हमें जो तत्वों के प्रतीक है उनका ज्ञान होना चाहिए, तत्वों का के प्रतीक। देखिए कि हमारे पास जो है लगभग 118 तत्व है, जिनमें से लगभग 31 तत्व ऐसे हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं 9th, 10th, 11th, 12th तक। तो उन सभी तत्वों के प्रतीक जो है आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो ये जो मुख्य तत्व हम बार बार यूज करते रहते हैं, उनकी एक टेबल जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, और ये इन तत्वों के प्रतीक आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक जो है Al है, आर्गन का Ar है, बेरियम का Ba है, बोरोन, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br है। तो इनको बाय डिफरेंस याद कर लेना, जैसे बेरियम का Ba है, बोरोन का B और ब्रोमीन का Br। तो इनमें आपस में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जब तीनों को इकट्ठा याद करोगे ना, तो बाय डिफरेंस याद हो जाते हैं। इसी तरह से कैल्शियम का Ca, कार्बन का C और क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, और ये CO में O स्मॉल है, ये ध्यान रखना। अब इसी तरह से कॉपर का Cu, फ्लोरिन का F, गोल्ड का Au। अब देखिए, कुछ एक ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके जो सिंबल है उनके ग्रीक या लेटिन नेम से ड्राइव किए गए हैं, बाकी ये देखिए ये तो इंग्लिश के नेम पे हैं, जबकि गोल्ड है, आयरन है, और इसी तरह से लेड है, सीसा है, और पोटासियम का K जो है, इसी तरह से जो है सोडियम का Na। यानी ये कुछ एक ऐसे तत्व हैं जिनके जो सिंबल है, जिनके जो प्रतीक है, वो इनके ग्रीक या लैटिन वर्ड से ड्राइव किए गए हैं। तो इनको ज्यादा अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, बाकी तो क्योंकि इंग्लिश नेम से ड्राइव किए गए हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये टेबल आपको याद करनी जरूरी है। तो यहाँ पहली बात तो मैंने आपको क्या बताई है कि एक तो आपको इन सभी तत्वों के प्रतीक याद होने चाहिए, और दूसरी जो मेन बात है कि हरेक तत्व की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की जो शक्ति है या संयोजन शक्ति जो है, वो अलग अलग होती है। और किसी भी तत्व की दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की जो शक्ति है, संयोजन शक्ति जो है, उसको हम कहते हैं संयोजकता। ठीक, कि किसी भी तत्व की किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की जो शक्ति है, संयोजन की जो शक्ति है, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। दूसरे, हमें इन तत्वों की संयोजकता का ज्ञान होना चाहिए, जो मैं आपको अभी बता देता हूं। अब देखिए कि जैसे सोडियम है, सोडियम
कितने दूसरे तत्वों के साथ कंबाइन कर सकता है? वो है एक। तो सोडियम की संयोजकता एक होगी, इसी तरह से पोटासियम की संयोजकता भी एक है, सिल्वर की संयोजकता भी एक है, और कॉपर की संयोजकता जो है, कॉपर दो तरह की संयोजकता दिखाता है, कॉपर वन एंड कॉपर टू। तो कॉपर जो है कई 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 यौगिक ऐसे बनाता है जिसमें उसकी संयोजकता एक है, कईयों में दो है। तो एक तो आपको इनकी संयोजकता याद करनी है कि सोडियम पोटासियम सिल्वर जो है उनकी संयोजकता कितनी है, एक है। ठीक। इसके अलावा आपको पता है कि सोडियम पोटासियम सिल्वर कॉपर वगैरह ये सारे क्या हैं, धातुएं हैं, और धातुएं जो है हमेशा धन आवेशित कण बनाती है, और जिनकी संयोजकता एक होती है उस पर एक धन आवेश आता है। ठीक। और अगर कोई अधातु है और जिसकी संयोजकता एक है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक, क्लोरीन का अगर कोई आवेशित कण है, और तो उसको हम कहते हैं क्लोराइड आयन। ब्रोमीन से बनता है ब्रोमाइड आयन और आयोडीन से बनता है आयोडाइड आयन। ठीक। अभी ये अधातुएं हैं तो ये ऋणात्मक आवेश वाले आयन बनाएंगे। ठीक। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये इसके विशेष बात है कि धन आवेशित भी आयन बनाती है और ऋण आवेशित भी बना लेती है कई बार। ठीक है। तो ये दोनों तरह के आयन बना लेती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर, इनकी संयोजकता कितनी है? दो है संयोजकता। और ये सारी क्या है? धातुएं हैं। धातुएं हैं तो इनके ऊपर जो आवेश आएगा वो दो पॉजिटिव का आएगा, दो धनात्मक आएगा। तो मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, कैल्शियम टू पॉजिटिव, जिंक टू पॉजिटिव, आयरन टू पॉजिटिव एंड कॉपर टू पॉजिटिव। ठीक। इसी तरह से ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयरन बनता है, सल्फर सल्फर से सल्फाइड आयन बनता है। ठीक। तो ये अधातुएं हैं। ठीक। अधातुओं से क्या बनेगा? नेगेटिव आयन बनेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन से नाइट्राइड बनता है, और इसकी संयोजकता कितनी? तीन। तो इसकी जो है तीन नेगेटिव बनेगा। एल्यूमिनियम और आयरन, इनका आपने याद रखना है कि आयन कैसा बनेगा, Al3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। ठीक। अब आयरन भी देखिए कॉपर की तरह से जो है मल्टीपल संयोजकता दिखाता है। ठीक। तो इनको याद रखना, कॉपर और आयरन जो ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता वैरी कर सकती है। अब इसके अलावा जो है हम बात करते हैं बहुपरमाणु आयन की। बहुपरमाणु आयन का मतलब क्या होता है कि ऐसे आयन जिसमें एक से ज्यादा परमाणु हो, जैसे अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन में NH4 होता है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का कितना है? -3 है। हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 है। तो +1 और -3 कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या? प्लस का एक, तो अमोनियम आयन पे +1 आएगा। हाइड्रोक्साइड आयन में देखो एक ओ है और एक एच है। ओ का कितना? 2 नेगेटिव और एच का 1 पॉजिटिव। तो 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, रिजल्ट क्या हुआ? 1 नेगेटिव हुआ। इसी तरह से आप नाइट्रेट आयन का सूत्र आप याद कर सकते हो, N3 1 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 1 नेगेटिव, कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड का SO3 2 नेगेटिव, और सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव, और फास्फेट का PO4 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए कि आप इन इस टेबल को जो है, जितने भी इस टेबल में जितने भी आयन्स दे रखे हैं उनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। और अब देखिए कि यहाँ पर जितने आयन है ना, इस पे जितना चार्ज है, जितना आवेश है, उतनी उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। जैसे यहाँ पर 1 1 पॉजिटिव वाले, तो इनकी संयोजकता 1 है। यहाँ 1 पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, संयोजकता जितना ऊपर आवेश होता है, चाहे जितना धन हो चाहे जितना ऋण हो, उतनी ही उसकी संयोजकता होती है। ठीक है। यहाँ पर देखिए +2 वाले हैं, या -2 वाले हैं, या -2 वाले, तो इन सभी की जो संयोजकता है वो 2 है। यहाँ पर +3 वाले हैं, या -3 -3, तो इन सभी की जो संयोजकता है वो कितनी है? 3 है। तो आपको इनकी संयोजकता और आवेश दोनों का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर दो टेबल बता दिए। अगर ये दो टेबल्स में आपको अच्छी तरह से याद हो गई है, यानी पहले टेबल में मैंने आपको सिंबल्स बताए थे और दूसरे में जो है ये आयन्स बताए हैं, अगर
इन सभी आयन्स के सिंबल, आयन के संकेत और जो तत्वों के संकेत हैं। अगर वो आपको याद हो गए तो आपको रासायनिक सूत्र लिखने से रोकने वाला कोई नहीं है। तो आगे मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि रासायनिक सूत्र जो है वो किस तरह से लिखते हैं। अब आइए सबसे पहले मैं आपको आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने सिखाता हूँ। आयनिक यौगिक जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होता है, एक धातु होती है और एक अधातु होती है। तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए कि धातु हमेशा ही पहले लिखी जाएगी और अधातु हमेशा ही बाद में लिखी जाएगी, सिंबल जब भी लिखते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता होना चाहिए क्या है, Mg, और क्लोराइड यानी क्लोरीन का सिंबल आपको पता होना चाहिए Cl है। अब क्योंकि आयनिक यौगिक है तो नीचे हम इनके आवेश लिखेंगे। मैग्नीशियम जो आयन होता है उस पर दो पॉजिटिव आयन होते हैं और क्लोराइड आयन पर एक नेगेटिव होता है, ठीक। तो यहां पर प्लस माइनस को छोड़ते हुए एक इसके पैरों में और ये दो इसके पैरों में, यानी फार्मूला बनेगा इसका Mg1 हम यहाँ पर लिखते नहीं है, Cl और ये 2 यहाँ पर लिख दिया, तो MgCl2 क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बन गया, इसका केमिकल फार्मूला बन गया या अणु सूत्र बन गया, ठीक। अब इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब आपको यहां पर पता है कि एल्यूमिनियम धातु है तो पहले लिखा जाएगा, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन अधातु है तो बाद में लिखा जाएगा। और एल्यूमिनियम पर कितना आवेश होता है, 3 पॉजिटिव होता है, आप टेबल में देख सकते हैं, और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है। अब आवेशों को एक बार बोल जाओ, ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में, ठीक, यानी Al2O3। Al2O3 क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो गया। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम आपको पता है धातु है तो इसको पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन जो है अधातु है तो इसको हम बाद में लिखेंगे। अब कैल्शियम के आयन पर कितना आवेश होता है, 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के आयन पर 2 नेगेटिव होता है, तो ये 2 इसके पैरों में, ये 2 इसके पैरों में, तो बात तो क्या बननी सी, ये 2O2 ये हो गया, लेकिन क्योंकि इनका सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं इसलिए Ca2O2 नहीं लिखेंगे, इसको Ca कैल्शियम का और O सीधा ये लिखेंगे Ca O, क्योंकि 2O2 का जो रेशियो है वो 1:1 आता है, तो इसलिए अनुपात जो है वो 1:1 आता है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO के द्वारा लिखा जाएगा। देखिए अभी तक जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिए हैं उन सभी के अंदर क्या आया है कि इस टाइप के आयन आए जिसमें सिर्फ एक एक तत्व ही हो, ठीक है, एक एक तत्व वाले आयन आए हैं। अब बहुपरमाणु आयन वाले अगर हमें लिखने पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, याद तो आप कर ही लोगे, तो अब बताता हूँ कि बहुपरमाणु आयन वाले हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए बहुपरमाणु आयन वाले यौगिकों में हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट का लेते हैं, सोडियम का सिंबल आपको पता है क्या है, Na होता है, और नाइट्रेट का NO3 होता है, ठीक। सोडियम पर जो आवेश होता है +1 और नाइट्रेट पर होता है -1, तो ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में, तो यहाँ पर देखिए 1:1 ही है, तो NaNO3, ठीक, तो NaNO3 जो है इसका क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बन जाएगा। लेकिन मैं जो अब आगे जो एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें आपने डिफरेंस देखना है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए अगला एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का आपको सूत्र पता है Ca है और हाइड्रोक्साइड का OH है, तो इस पर आवेश -1 और कैल्शियम पर आवेश
टू है प्लस का, तो ये इधर और ये इधर, ठीक। तो यहां पर सी ए वन तो हम लिखते नहीं है, और ओ एच, ओ एच के साथ अगर मैं यहां पर टू लिखता हूं तो ये टू तो सिर्फ एच के साथ ही हो गया, लगाना हमने किसके साथ है, पूरा ओ एच के साथ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, सी ए ओ एच ट्वाइस बोलते हैं इसको, सी ए ओ एच ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बन गया। अब इसको हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि यहां तो सिर्फ एक ही लगाना था, ठीक, एक एक तो ये है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कि NO3, 3 तो इसका नाइट्रेट आयन का है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये तो वो परमाणु का आयन आप देख ही सकते हो। अब कई बुक्स में इनका लिखने का तरीका ऐसे भी दे रखा है कि जैसे सोडियम आयन है, सोडियम एक पॉजिटिव और NO3 एक नेगेटिव, ये इधर से नीचे कर दिया, इसके ये इधर से कर दिया, बस बात तो समझना ही है, किसी तरह से समझ लो इसको, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में जो हमारे गवर्नमेंट बुक है उसमें इस तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मैंने आपको इसी तरीके से समझाया है। अब देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल और देता हूँ, जैसे अमोनियम सल्फेट है, क्या है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में देखिए अमोनिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि NH4 होता है और सल्फेट का SO4, सल्फेट पे 2 नेगेटिव होता है और अमोनिया पे जो है एक पॉजिटिव होता है, ठीक। अब ये 2 जाएगा अमोनिया की तरफ और एक जाएगा सल्फेट की तरफ, तो यहाँ पर देखिए NH4, अब इस सारे के साथ 2 लगाना है तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद करके 2 लगाना पड़ेगा, और SO4 इसके साथ एक है तो एक के लिए तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, NH4 ट्वाइस SO4, ये हो गया अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो अभी तक जो मैंने आपको सूत्र लिखने सिखाए हैं वो किसके लिखवाए हैं, आयनिक यौगिकों के, ठीक। और आयनिक यौगिकों में क्या होता है कि एक तो धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, नीचे क्या लिखते हैं उसके आवेश लिखते हैं, ठीक। अब मैं आपको सिखाता हूं कि आणविक यौगिकों के सूत्र, किसके, आणविक आणविक यौगिक, आणविक यौगिकों के सूत्र जो है, अब मैं आपको लिखना सिखाता हूं। अब देखिए कि आणविक यौगिक क्या होते हैं, उसकी एक मैं मोटी सी आपको निशानी बता देता हूँ कि इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो नॉन मेटल वाले जो तत्व होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, या हाइड्रोजन भी जो है ये नॉन मेटल में आता है, अधातु में आता है। देखिए यहाँ बीच में गैप इसीलिए रखा हुआ है कि ये धातु नहीं है, इसका कलर भी देखना, धातु अधातु वाला ही है, पीला कलर ही है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और इनका जो अधातुओं के साथ जो आपस में कंबाइन करके जो यौगिक बनते हैं ना, वो मोस्टली आणविक यौगिक ही होते हैं, उनमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं बनते बस, ठीक है। तो बाकी इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो हमारा आयनिक वाला तरीका था ना, सेम टू सेम ऐसा ही तरीका यूज होएगा, बस हल्का सा अंतर मैं बताता हूँ अंतर क्या है। जैसे उदाहरण से समझा देता हूँ मैं कि यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्या है हमारे पास है? हाइड्रोजन क्लोराइड, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु, क्लोराइड भी अधातु, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई चक्कर नहीं है, सीधी संयोजकता लिख दो, इसकी भी संयोजकता एक और इसकी भी संयोजकता एक। आयनिक यौगिकों में हम नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं उनके जो आवेश है वो, और आणविक यौगिकों में हम लिखते हैं उसकी संयोजकता, बस इतना सही फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बाकी तो वही तीर चलाने अपने, ठीक। H1 और ClB1, तो HCl हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फर दो ही होते हैं, हाइड्रोजन की संयोजकता एक और सल्फर की संयोजकता दो, तो ये इधर और ये इधर, तो H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हो गया बस, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कार्बन
टेट्रा क्लोराइड। अब ये कार्बन हो गया और क्लोरीन का सीएल हो गया। कार्बन की संयोजकता 4 और क्लोरीन की संयोजकता 1, तो ये इधर और ये इधर, तो इसका सूत्र बनेगा CCl4। क्या सूत्र बनेगा? CCl4। अब 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं। अब मैं चलो लग जाती है बताई देता हूं। अगर मान लीजिए कि जैसे ये क्लोरीन 4 आए हैं, इसकी तरह से अगर कोई चीज 2 आए, जैसे CO2 है, अब ये ऑक्सीजन 2 आ गई, 2 के लिए यूज करते हैं डाई, 3 के लिए यूज करते हैं ट्राई, 4 के लिए यूज करते हैं टेट्रा। ठीक, समझ गए बात को? जैसे ये कार्बन 2 ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्साइड, ठीक, ये कार्बन 4 है इसमें क्लोरीन है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, इसी तरह से जो है हम बाकी भी ले सकते हैं, तो इतने से अपना काम जो आसानी से चल जाएगा। अब देखिए कि आप यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने के नियम तो सारे सीख ही चुके हैं, अब हमें प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन नियमों को सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ एक एग्जांपल्स लिए हैं, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। कि यहाँ पर सबसे पहले दिया है सोडियम ऑक्साइड, क्या है? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आपको पता है कि क्या है, मेटल है, धातु है, तो सोडियम का हम सिंबल पहले लिख देते हैं। ऑक्साइड के लिए ओ होता है, और अब इनके आवेश लिख देते हैं कि सोडियम पर +1 आवेश होता है और ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है। तो अब वही जो है क्रॉस कर देते हैं इसको, तो इसका जो सूत्र बनेगा वो Na2O बनेगा, ये सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, क्लोराइड यानी क्लोरीन। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो आवेश होता है +3 और क्लोरीन का जो होता है -1, और फिर वही क्रॉस कर दीजिए AlCl3 जो है इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? AlCl3। अब आगे आता है सोडियम सल्फाइड, क्या है? सोडियम सल्फाइड। अब यहां देखिए कि एक तो सल्फाइड होता है, एक सल्फेट होता है और एक सल्फाइट होता है। तो मैं एक बार टेबल में से सारे कंफर्म करवा देता हूं आपको, कि एक तो सल्फेट होता है, सल्फेट SO4-2-, एक सल्फाइट होता है SO3-2-, एक सल्फाइड होता है, सल्फाइड सल्फर एटम से जो बनने वाला आयन जो है ना उसको सल्फाइड बोलते हैं। ठीक, सल्फाइड के अंदर सिर्फ S आता है, तो इन तीनों को अच्छी तरह से याद कर लेना। तो सोडियम के लिए Na है और ये सल्फाइड, सल्फाइड कौन सा है? S वाला है। तो सोडियम के लिए जो है सोडियम पर जो आवेश है वो 1+ है और इस पर जो है वो 2- है, और फिर वही क्रॉस करेंगे तो आगे तो नाम लिखा ही जाएगा Na2S, ये सोडियम सल्फाइड हो गया। ठीक, इसी तरह से आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो Mg, और हाइड्रोक्साइड के लिए हम यूज करते हैं OH। Mg जो है 2+ होता है आयन, Mg आयन जो है 2+ होता है, OH आयन जो है 1- होता है, ये इधर और ये इधर। तो Mg के साथ 1 है और OH के साथ 2 है, तो 2 है तो इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा वो MgOH2 होगा। अब देखिए कि अगर हमें पहले से रासायनिक सूत्र दे रखे तो उनका नाम कैसे लिखें? नाम लिखना तो बिल्कुल ही आसान है, कि जैसे ये एल्यूमिनियम हो गया और ये सल्फेट हो गया, तो इसका नाम सीधा ही हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक, और ये कैल्शियम और ये क्लोरीन है, तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह से के किसका सिंबल होता है? पोटासियम का, और SO4 सल्फेट का, तो ये पोटासियम सल्फेट हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट।
और ये पोटासियम एनओ थ्री होता नाइट्रेट का, ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरह से कैल्शियम सीओ थ्री होता है कार्बोनेट, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ये देखा कि अगर हमें किसी भी पदार्थ का रासायनिक नाम अगर दे रखा है तो हम उसका रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, और रासायनिक सूत्र दे रखा तो उसका रासायनिक नाम भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि जैसे चुन्ने का रासायनिक सूत्र लिखिए। अब देखिए, जब इसका रासायनिक नाम नहीं पता तो हम सूत्र कैसे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 ऐसे जो पदार्थ हैं जिनका कॉमन नेम चलता है, साधारण नाम चलता है, तो उनका रासायनिक नाम हमें लिखना होगा, फिर उसका सूत्र लिखना होगा, ठीक। तो ये 10 जो मैंने यहाँ पर आपके लिए चूज किए हैं पदार्थ, इनका जो रासायनिक नाम और सूत्र आपने ध्यान से देखना। मैं जस्ट अभी 2 मिनट में करवा देता हूँ कि चूना जो है इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए, चूना, भुजा हुआ चूना, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम, ये कैल्शियम के यौगिक हैं, ठीक। इसमें कैल्शियम तो है ही है, इसके अलावा कुछ और मिलेगा आपको। जैसे चूना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। और भुजा हुआ चूना जो है, जब चूने में पानी मिला देते हैं, चूना जो सफेदी हम लेके आते हैं बाजार से दीवारों पे या करने के लिए, उसको चूना बोलते हैं। चूने में अगर पानी डाल दोगे तो एक बार देखो बिल्कुल हीट से प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद जैसे जो प्रोडक्ट बन जाता है उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो पहले इन दोनों का नाम लिख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सी ए होता है और इस पे 2+ होता है और ऑक्सीजन 2-। तो देखिए, 1:2 यानी 1:1 है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ही बन जाएगा सीधा। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम 2+, हाइड्रोक्साइड पे 1- होता है, तो ये हो जाएगा CA और OH के साथ ये 2 लग जाएंगे, OH ट्वाइस। तो मुझे वो चुनने का जो सूत्र होगा CaOH ट्वाइस, और चुनने का जो सूत्र है वो CaO है, ठीक। अब बात आती है विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण का जो नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये ऑक्सीक्लोराइड आयन जो है, ये मैंने आपको इधर टेबल में बताया नहीं है, यहां देख ले बस, यहीं से समझ आता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, OCl2 इसमें लगा देना, ये ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, ठीक। अब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम ये दोनों ही कैल्शियम सल्फेट होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, कैल्शियम सल्फेट होते हैं और ये भी कैल्शियम सल्फेट होता है, लेकिन इसमें जो वाटर की अमाउंट है वो कम होती है, H2 होता है इसमें और इसमें 2H2 होता है, बस इतना ही फर्क है। तो आपने इनको अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक। अब बात आती है साधारण नमक, कास्टिक सोडा, धावन सोडा और बेकिंग पाउडर, ये सारे जो है ये सोडियम के यौगिक हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि चूना, बुझा हुआ चूना, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनमें सभी में क्या आता है, कैल्शियम आता है। देखो यहाँ पर सभी में क्या है, कैल्शियम है, और इसी तरह से इनमें सभी में क्या आएगा, सोडियम आएगा। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, आप सभी को पता ही है, सोडियम क्लोराइड। आप इसका सूत्र आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये +1 और ये -1 है। अब कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। सोडियम के लिए एनएयर, हाइड्रोक्साइड के लिए OH, ये +1 और ये -1, तो बिल्कुल आसान है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा NaOH, तो ये कास्टिक सोडा हो गया।
अब धावन सोडा, धावन सोडा यानी कपड़ा धोने का जो सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के लिए Na, कार्बोनेट के लिए CO3। सोडियम पे एक पॉजिटिव होता है और कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका Na2CO3। ठीक, साथ में डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स होता है 10, 10 हाइड्रेट, हाइड्रा मीन्स वाटर। ठीक, Na2CO3 × 10H2O, ये बीच वाली बिंदी नहीं लगेगी, बस ऐसे लगेगा 10H2O। ठीक, ये लगेगी यहां पर। अब आ गया था बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये सूत्र है। और लास्ट आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका नाम आपको पता लग गया, अब तो लिख दोगे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड का OH, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव और OH पे 1 नेगेटिव, बस क्रॉस कर दो MgOH2, बस ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में मैंने आपको जो रासायनिक सूत्र हैं जो हमारे केमिस्ट्री में मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो मैंने आपको करवाने की पूरी पूरी कोशिश की है। इसके अलावा हमारे बस्ते कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजीयापन होता है, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह आपने नाम सुना होगा। अब उसमें हाइड्रोजन हटा के कुछ और रिप्लेस कर दो तो वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हो जाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव जो है वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक जिसको हिंदी में कह देते हैं। तो वो तो एक अलग केमिस्ट्री है। ठीक, और कोई बच्चा अगर उनके नाम भी पढ़ने का इच्छुक है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है पहले, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, 10th क्लास के सिलेबस में आता है। ठीक है, तो वैसे ये 9th क्लास का टॉपिक था, लेकिन मैंने 9th क्लास की बुक से भी थोड़ा सा एडवांस इसको बनाया ताकि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो किसी भी तरह से किसी से पीछे ना रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और इसके अलावा जो है, आप जब भी किसी एग्जाम में बैठोगे ना जिसमें जनरल साइंस आएगी, तो इनमें से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, और सर का ये वीडियो आपको जरूर याद आएगा, हाँ भाई सर ने उस टाइम ये करवाया था। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिखने सीखे और जो टेबल है आपने लर्न करनी है, उसको अगर और आसान करना तो आप पीरियोडिक टेबल से भी कर सकते हो। पीरियोडिक टेबल में जैसे आप देख सकते हैं जो पहले ग्रुप पे जो एलिमेंट है और वो सारे +1 आयन शोक आयन वाले यानी धनात्मक आयन बनाएंगे, जिस पर एक आवेश हो, प्लस का एक आवेश हो, ऐसे धनात्मक आयन बनाएंगे। तो इनको याद करने के लिए जैसे आप एक सेंटेंस याद रख सकते हैं, लीना कर रब से फरियाद, यानी लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम एंड कंडेंसियम का ऐसे याद कर सकते हैं। अब दूसरे ग्रुप में जितने भी तत्व हैं वो +2 धनात्मक आवेश वाले यानी 2 धनात्मक आवेश वाले आयन बनाएंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड ये रेडियम। तो इसको याद कर सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक, इस तरह से याद कर सकते हैं। इसी तरह से अगला जो है ये
यहाँ बोरॉन को छोड़ के जो धातुएं हैं ये आपको पता है कि धनात्मक आयन बनाती है, और इनकी सभी की संयोजकता तीन होती है। तीन संयोजकता वाले आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनका याद रख सकते हो कि बनाओ आलू गोभी इन तेल, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। ये चार संयोजकता वाले हो गए, फिर संयोजकता वापिस, संयोजकता मैक्सिमम चार ही हो सकते हैं, उसके बाद 3 2 1 इस तरह से घटती जाती है। तो ये तीन संयोजकता वाले, 2 वाले 1 वाले, यानी इन पर -1 आयन है, इन पर -2 आयन, ठीक, ये सर वाले -3 आयन शो करते हैं, ठीक, और इधर से जो धातुएं हैं वो +1 +2 +3, ठीक, +4 वाले, इतनी कोई जरूरत नहीं होती अपने को। तो आप यहाँ पीरियोडिक टेबल की मदद से भी याद कर सकते हो। इसके अलावा आप 9th क्लास के NCERT बुक में जो एक्सरसाइज दे रखी है उनको आप सॉल्व करके इनको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी किसी भी रसायन, किसी भी आपको पदार्थ का आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र ना लिखना है तो मुझे नीचे इसी वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।